हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने का कुरकुरा नाश्ता। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप साबूदाना, छोटे वाले साबूदाने हैं मेरे, और 1/2 कप मूंगफली के दाने। इसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया था, अब मैं इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इसे ड्राई रोस्ट कर ले, हल्का सा भून जाएगा, अच्छा फ्लेवर आ जाता है इससे। हमारे साबूदाने रोस्ट हो चुके हैं, इसमें से सारी मिर्ची को अलग कर लेंगे हम, इसे बाद में पीसूंगी। इसे ड्राई पाउडर बना लेंगे मिक्सर के जार में डाल करके, इस तरह का फाइन पाउडर बना ले, देख रहे हैं, अच्छा महीन पाउडर बन चुका है। साबूदाने का तो अच्छा पाउडर बन चुका है हमारा। 2 आलू लेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और जो मिर्ची मैंने रोस्ट करके रखा था वो कुछ करी पत्ते। इसी जार में ये 2 आलू, अदरक और हरी मिर्ची करी पत्ता को मैं पीस लूँगी। 1 कप पानी डाल करके आलू का कुछ पेस्ट ऐसा तैयार हुआ है हमारा। साबूदाने का जो पाउडर था उसमें मैं इसे डाल दे रही हूँ। आलू का पेस्ट मैंने पूरा सारा डाल दिया है 1 कप पानी के साथ मैंने जो पीसा था। 1/2 चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार ही डालें। मैंने अच्छे से मिला लिया है, अब मैं इसे ढक करके 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 15 मिनट हो चुके हैं, पानी पूरा सोख चुका है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। छोटे छोटे बॉल लेके इसमें डाल लें, इस तरह गोल्डन होने तक तल ले, इस तरीके से धीमी आंच पर ही मैंने तला है। गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। हमारे पकौड़े क्रिस्पी हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल लूँगी। 1 कप दही लेंगे, दही में जीरा मिर्ची चाट मसाले का पाउडर डाल लेंगे। देखिए हमारे साबूदाने के पकौड़े तैयार हो चुके हैं, कितने क्रिस्पी बने हैं आप देख सकते हैं, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी। मैं तोड़ करके भी दिखा रही हूँ, दूसरा बॉल भी मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से बना है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। इमली की चटनी और दही के साथ आप जिसके साथ खाना चाहें खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है दही के साथ भी, इमली की चटनी के साथ भी। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ट्राई करें एक बार, ऐसे बना के झटपट बन जाती है।